इस नर के बारे में बता रहा था तो उसमें एक बात और होती है कि उस आदमी को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत आती है कि उसे दूसरे आदमी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, मैंने इस बात का जवाब दे दिया था आपको कि नहीं दिया था, जो भाई साहब ने पूछा है, विद्यालय जाना सही है या गलत, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो सही है या गलत, दे चुका हूं मैं इसका जवाब। आइए, भाई साहब कहाँ थे उस टाइम, आई डोंट नो, लेकिन मैं इसका बहुत डिटेल में जवाब दे चुका हूं। दूसरा सवाल आया है कि व्यवस्था परिवर्तन की पूरी स्क्रिप्ट क्या होगी, कृपया बताने का कष्ट करें। मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप उनको भी बता दो कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि वो हमारे लिए पूरा इंतजाम करके रखें। भाई, अभी जो ये प्रोग्राम है, ये 7 दिन का जो कार्यक्रम अपन ने संपन्न करेंगे, अपन कल, आज 6ठा दिन है और 6ठा दिन भी लगभग समाप्ति पे है, तो क्या आप में से किसी को इन 7 दिनों की स्क्रिप्ट पता थी? आपको पता थी भाई किसी को, मैनेजमेंट वालों को? भाई किसी को नहीं पता थी। जब जिस चीज के लिए हम तैयार होंगे वो हो जाएगा। पूरे स्कूल की भी स्क्रिप्ट तैयार है, गांव की भी स्क्रिप्ट तैयार है, समाज की भी स्क्रिप्ट तैयार है, मतलब ये समझो कि 36 बिरादरी, 72 कलाएं, सारे डाल की चीज जितनी भी समाज में हो सके ना, सब की स्क्रिप्ट और लिस्ट तैयार है। पर उसको करने वाले कहां हैं? मतलब अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो हम करने वालों में काउंट नहीं होंगे ना। मतलब असल में करने वाला कौन होगा? जो उसको सुपरवाइज कर सके। आप सारे लोग, आपके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आप सुपरवाइजर हो आने वाले टाइम में, जब स्टेक होल्डर मतलब गांव का आदमी जब कोई काम कर रहा होगा उसकी निगरानी आप लोगों ने करनी है। अब आपको ग्रुप में बांट करके हर व्यक्ति ने ग्रुप लीडर बन के देखा तो आपको मालूम पड़ गया कि आप ग्रुप लीडर कैसे हो, आपकी टीम आपकी कितनी बात मानती है। अगर नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती है, इसका विश्लेषण आप करोगे कि वो कमी उस बंदे में है कि आप में है। और अगर 6 लोग हैं और उनमें से एक नहीं मानता तो फिर मैं 5 क्यों मानते हैं और वो एक ही क्यों नहीं मानता। तो ये बहुत सारे मल्टीपल एंगल से सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, छोटे सा सवाल और छोटे से जवाब में सब समेटना चाहते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अंदर तो घुसिए, एक बारी आइए तो सही। ये सवाल केवल वो आदमी पूछेगा जो बात ज्यादा करेगा काम कम करेगा, जो काम ज्यादा करेगा बात कम करेगा, उस आदमी को मालूम है कि कौन सा काम करते हुए कौन सी प्रॉब्लम आती है। आज तक जिसने भी स्क्रिप्ट बनाई, जिसने भी कोई एक भूमिका तैयार की, उसकी भूमिका कभी पूरी नहीं हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं और उसके बाद उसमें आपको देखना है कि कितने सच्चाई से आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो। ये तय करेगा कि आपकी सक्सेस का क्या आंकड़ा रहेगा, क्या रहेगा। एक क्वेश्चन है कि अगर रुपए पे जो चर्चा है वो हम असल में अभी शाम को कुछ गांव के लोग भी हमने बुलाए हैं, हम सोच रहे हैं कि जो लेवल 2 हमारा पिछले साल हुआ था उसमें जो वर्मा जी थे और मेरे कुछ को सवाल जवाब देने का एक सेशन था, तो हम लोग उसको यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे कि आपको वो यहीं पे मिल जाए, पूरे सवाल जवाब उसके अंदर हैं। पर इसमें यह है कि क्यों ना 1 रुपये का सिक्का नोट इकट्ठा किया जाए और कोई भी काम करे तो असली नोट मांगा जाए। ये होगा, इसका समय आएगा, मतलब ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है जो काम का, वैसे 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, जैसे गोरखपुर पुलिस के बारे में पूछा है, पुलिस वालों से डॉक्टर्स की टीम से मिलने का चर्चा किया था उनकी, उस पर तो मैं बता दूंगा आपको किसी लाइव में, इम्पोर्टेंट है जो यहाँ ज़रूरी है। एक क्वेश्चन इसमें आया है कि जब कोई अवचेतन मन में कोई बात चली जाए तो उसको वहाँ से कैसे निकालें, अगर वो चीज़ बुरी चीज़ है या वो चीज़ अच्छी चीज़ है, दोनों ही केस में
कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है कि जब आप कोई ऐसा काम करोगे कि उस काम में आपको पूरा आनंद आ रहा है, उसका अर्थ ये है कि जब आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे, वर्तमान में जब आप काम करना सीख जाओगे तो आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कल किसने मुझसे किस तरह बात की थी, कि किसी ने गाली तो नहीं दी, किसी ने पीट तो नहीं दिया, कुछ और तो नहीं गया, मतलब आप यही भूल जाते हो। मैंने आपको बताया कि मैं अपने परिवार में, मेरे साथ दो बार ऐसा हो चुका है कि मेरे परिवार में मौत हो गई और मैंने बात करके फ़ोन पे, जैसे बीच में फ़ोन आया इमरजेंसी, तो मैंने कॉल उठाई और उसने बताया कि फलाने बंदे की डेथ हो गई है, और मुझे एकदम से लगा अरे अभी तो ठीक ठाक थे वो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, और मैं वो फ़ोन रखने के बाद में मैं भूल गया। और मुझे जब ध्यान आया तब मैं दूसरी किसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकल चुका, मैं मध्य प्रदेश था, मैं वहाँ से आगे निकल गया, और जब मैं ट्रेनिंग करके ख़त्म करके आया और तब मेरे पास मैसेज, मैंने चेक करे तो वहाँ लिखा हुआ था यार मैं तेरे घर गया था, वहाँ तू मिला नहीं, वो सब कह रहे थे कि वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता, ओ मेरा तो वो ध्यान में नहीं रहा। मतलब आप इस लेवल पर भी चले जाते हैं कि आप उस काम में इतने डूब रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। और जब कई बार ध्यान में आता है, जैसे बात कर रहा हूँ अभी ध्यान में आ गया मेरे को, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, अभी तो पहले बात पूरी करूँगा, और जब बात पूरी करूँ तब ध्यान ना रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार भी ध्यान नहीं आई थी वो बात, दोबारा आई, लेकिन उस वक्त नहीं आई जब मैं खाली हूँ, जब मैं फ़ोन करके पूछ सकता हूँ घर पर। तो इट हैपन्स, इसका मतलब ये है कि आपको याद कौन सी चीज़ रहेगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और एक दूसरा नियम है इसका, अवचेतन मन से चेतन मन, अरुण से इन सारे मना में आने जाने का, परमानेंट मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी में आने जाने का, वो दूसरा नियम ये है कि रिपीटिशन का प्रिंसिपल है, कोई चीज़ जितनी बार दोहराई जाएगी वो उतनी ही पक्की याद हो जाती है, और आप जानबूझकर प्लान करके भूल नहीं सकते। याद तो कर सकते हो लेकिन आप भूल नहीं सकते, मतलब भूलने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आपको क्या भूलना है, और जैसे ही आप याद करोगे फिर रिवीजन हो जाएगी एक बार और दोहराई हो जाएगी, तो वो पक्की याद हो जाएगी। यानी जिसको आप भूलने की कोशिश करोगे वो पक्की याद हो जाएगी। जैसे किसी प्रेमी की प्रेमिका बिछड़ जाए और वो उसकी याद में कहे कि मैं उसे भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, तो वो भूलने की कोशिश ही बेकार है, उसको दूसरे काम पर लगाना पड़ेगा, अगर उसी काम पर लगा के रखा तो नहीं भूलेगा। इसीलिए हम जब किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, हमारा कोई साथी बिछड़ जाता है, तो परिवार से कुछ चला जाता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ रिवाज है कि बहुत सारे लोग आएंगे, गाँव के लोग, कभी कोई आएगा मिलने के लिए, कभी कोई आएगा, फिर रिश्तेदार आएंगे मिलने के लिए, ताकि वो आदमी का जो दिमाग है वो उस व्यक्ति से दूर होकर के उनकी सेवा पे लग जाए। पानी प्या दे भाई, चाय प्या दे भाई, यू कर दे भाई, ओ कबर दे भाई, यू कर दे भाई, तो उसमें क्या आदमी वो बिचड़ा रहा, इतने सारे लोग आ गए, वो घर आ गया तो उसका कुछ ना कुछ तो उनका करना ही पड़ेगा, उस चक्कर में वो काम में लग जाता है, तो वह चीज़ दिमाग में पीछे चली जाती है कहीं। अगर वहाँ उस वक्त उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो वही आदमी उसके दिमाग में घूमता रहेगा, उसके साथ बिताए टाइम याद आता रहेगा, और आदमी अवसाद में चला जाएगा। इसीलिए बीमारी के वक्त भी अकेला नहीं छोड़ते हम व्यक्ति को, बीमारी के वक्त भी कोई ना कोई आता जाता रहता है, कोई अपने याददाश्त, कोई अपनी बात याद दुआ होगा, कोई उसका अपनी पुरानी याद दुआ होगा, कोई कुछ आ होगा, कोई पुराना दोस्त आ गया, कोई सहपाठी आ गया, तो उससे फिर उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है बीमारी से। और जैसे ही आप किसी एक चीज़ पर ज़्यादा दुखी होकर के केंद्रित नहीं करते हो तो आपका वैसे ही अवसाद खत्म होता जाता है। तो भूलने का एक ही तरीका है, उस चीज़ उस माहौल को बदल दो और काम वो चूज कर लो जिसमें आपको आनंद आया हुआ है। सिंपल, बहुत सिंपल सा है, क्लियर है। आगे आया डीआरटी का, ये भी दे देंगे, इसका भी जवाब देंगे आपको। आप इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनते हो, सारा का सारा डीएम के पास आवेदन की क्या प्रक्रिया, ये भी है। टीवी मोबाइल से म्यूजिक फ्रीक्वेंसी स्क्रीन कैसे माइंड प्रोग्राम करता है, पूरी की पूरी वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, लंबा हो रहेगा। अभी नौकरी कर रहे लोग क्या करें, नौकरी करें या नौकरी छोड़ें, परिवार की भी जिम्मेदारी है ना, खेद है ना खुद की, और ना खुद के जानवर हैं गुलाम या कुछ और, व्यापार भी खत्म हो चुका है कि जिसके पास खेत पशु नहीं है उनके लिए क्या, और पानी का जो लेवल है वो भी 250 फुट से नीचे जा चुका है। देखिए इसमें ये हमने बिल्कुल नहीं कहा है
कि आपने आज और कल भी नौकरी छोड़ देनी है, लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेट नहीं है तो आज कम से कम इस दिशा में तो सोचना शुरू कर दो कि हमको नौकर नहीं रहना है। और आपको पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, अभी हमारे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा आ गया। आप देखो अपने यहाँ कई वैद्य बैठे हैं, आप उनसे चिकित्सा सीख सकते हो। खेती पे काम करने वाले लोग बैठे हैं, आप उनसे वो सीख सकते हो। मैंने आपको जो एजुकेशन वाला मॉडल दिया है ये आप सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही छोड़ के इसी पे लग जाओ, लेकिन आप इसको सीख सकते हो। और ये इतना गजब का मॉडल है, मैंने 2020 में इसमें ट्राई किया था। मैं देख रहा था कि चलो मुझे तो पैसा नहीं कमाना है, मेरी फ्रेंचाइजी तो कमा ही रही थी, तो मैंने फिर अपने फेस का इस्तेमाल करके 2019 में मैंने इसके लिए ट्राई किया था। और फिर जो ये 18 वाली 17 वाली तो वीडियो है ही है दिल्ली की, मैं दिल्ली के एक स्कूल में 4000 बच्चा, और हमने प्रिंसिपल से बात कर ली और प्रिंसिपल ने अमर को यस कर दिया। और हमने कहा जी ये टीम मेरी काउंसलिंग करेगी, मैं नहीं करूँगा। 12000 रुपया हमने हर बच्चे से लिया था उस टाइम पे, 2000 रुपया उसमें से स्कूल की डेवलपमेंट के दिए हमने, 1000 रुपया हमने रखा अपने पास में महीने का, सॉरी 12000 में से 1000 रुपया महीना, मतलब 10 महीने का 10000 रुपया हमने रखा। 4000 बच्चों को अगर 10000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 करोड़ रुपया बनता है। और जितनी टीम उस पर काम करेगी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पैसे में, मतलब अपन यूज करो, समाज के काम पे लगाओ, जब मोर्चे को जरूरत हो मोर्चे को दे देना, नहीं तो अपना यूज करो, अपना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब अपना काम ये नहीं है, अब हमने ये देख लिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी नहीं करते थे, पहले तो फ्रेंचाइजीज कमाती थी हमारी, फिर हमने देख लिया कि उन लोगों ने भी पैसे के लिए काम शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, लेकिन पैसा चाहिए, यानी कि संसाधन चाहिए, बेसिकली पैसा भी नहीं चाहिए, संसाधन चाहिए, संसाधनों का इंतजाम होना शुरू हो जाएगा। आखिरी के कुछ क्वेश्चन पहले भी थे, लेकिन वो होगा। अगर व्यवस्था परिवर्तन होगा तो रोजगार के लिए कुछ लेने देने के लिए पैसा रुपया बनेगा या फिर बार्टर सिस्टम होगा? ले सवाल आ गया, मतलब ये आखिरी सवाल शुरू में पूछ रहे हैं। एक गांव में आज तक गए नहीं है, किसी से बात करी नहीं है, लोग तैयार भी हैं बदलने के लिए वो पता नहीं है, बदल भी देंगे कि नहीं वो पता नहीं, कितने दिन मोर्चे में रहेंगे उसका पता नहीं, कितने दिन काम करेंगे उसका पता नहीं, और बार्टर सिस्टम तक पहुंच गए। ऐसे थोड़ी होता है यार, जो व्यवस्था बनने जा रही है अगर उसमें व्यापार करेगा तो उस पर कोई लिमिट होगी या व्यापार का है ना, कमाल की बात। क्वेश्चन ही गलत है, आखिरी क्वेश्चन शुरू में नहीं बनाए जाते। देखिए जब हम समाज के तौर पर रहते हैं तो वहां एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, वहां समाज निर्णय लेता है। आपको पिछले 6 दिन की ट्रेनिंग में, पिछले 6 दिन में हमने एक बात समझाने की कोशिश करी है कि समाज के सत्यानाश का कारण है अच्छे और सच्चे लोगों की चुप्पी। जब अच्छे लोगों ने समाज में बोलना बंद कर दिया तब लुच्चे और गुंडे लोगों ने समाज का नेतृत्व स्टार्ट कर दिया। जब गंदे लोगों ने नेतृत्व स्टार्ट किया तो गलत आदमी अगर उनके परिवार से मिला तो उसको बचाने में लग गए, और गलत आदमी अगर दूसरे दुश्मन के परिवार से निकला तो उसको मरवाने पर लग गए। तो समाज में बहस और लड़ाई बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से समाज टूटता चला गया, आधा हिस्सा उन तरफ हो गया, आधा हिस्सा उन तरफ हो गया। तो ये चीजें बेसिकली इसीलिए हुई कि अच्छे लोगों ने बोलना बंद किया। एक बार जब आप लोगों को बोलना आ जाएगा तो आप लोग भी और लोगों को बोलना सिखाओगे, और जब ये चलेगा सिलसिला तो जब लोग बोलना शुरू करेंगे तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि उनको कैसा सिस्टम चाहिए। और हमारे समाज की तो ब्यूटी ये है कि अभी भारत का समाज पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, तो जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो व्यवस्था पहले से हमारे गांव में मौजूद है, पहले से मौजूद है। आप अपने गांव में से आज बिजली खत्म कर दो, आज ये मशीनी युग खत्म कर दो, ट्रैक्टर आज निकाल दो, मोबाइल को आज निकाल दो, ये टेलीविजन को आज फेंक दो, तो हमारा समाज अपने आप वैसे सुधर जाएगा, अपने आप। मतलब ट्रैक्टर को, बिजली को, मोबाइल को, अखबार को, टेलीविजन को, इसको निकाल दो आप गांव से, अपने आप सुधरा, ऑलरेडी सुधरा हुआ है वो। जहां जहां ये सब चीजें नहीं है वहां आज भी समाज के लोग बैठकों में बैठ के हुक्का इकट्ठा पी रहे हैं,
जहां ये चीजें ज्यादा आ गई है वहां सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं 10 बजे एसी चला के, वहां कोई नहीं आपस में बात करता है। तो समाज पहले से अभी हमारा बचा हुआ है, और जो बुजुर्गों के पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, वो हम लोगों को इकट्ठा करना है। ये हमारी ड्यूटी है कि उनसे जा करके घंटों घंटों बैठ के बात करें, क्योंकि जो गुरु मंत्र है ना, जो असली बातें हैं, वो पूछने पे नहीं निकलती हैं। और जिस बंदे के पास ज्ञान होता है वो पूछने पे क्या पता वो ना बताए जो आप जानना चाह रहे हो, और ऐवे ही बैठे रहे वैसे ही फेंक दे वो असली बात को, और वो असली बात पकड़नी आनी चाहिए अपने को, हो या बात थी इससे समाधान हो सकता है, और वो समाधान है हमारे लोगों के पास। अभी है कि हमारे समय, आज के समय में हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं, हमारे सरकारी नौकरों से उलझने पर किस प्रकार कानूनी तथ्य के आधार पर बचाव कर सकते हैं। अरे बचाव करने की टेंशन क्या है भाई, टकराने की टेंशन क्यों नहीं लेते तुम? बचाव करने की टेंशन में तो बोले हो जाओगे, सामने वाले को डर। देखो आप अगर सच्चे हो और वो बेईमान है ना, वो आंख में आंख डाल के भी बात नहीं कर पाएगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात भाई, आपने कानूनी मुद्दों पे और सारे के सारे थानों में, कोर्ट कचहरियों में बात करते हुए आपने ये लोग देखे होंगे सारे के सारे वीडियो, किसी ना किसी वीडियो में इनने पूछियो, इन तक किसी ने सिखाया था क्या? कुछ नहीं है। प्राकृतिक कानून के बारे में पूछा, प्राकृतिक कानून ये है कि सृष्टि पर रहने वाले हर जीव का इस धरती पर बराबर हिस्सा है, यह है प्राकृतिक नियम। अगर कोई व्यक्ति के पास उसकी जरूरत से ज्यादा का सामान है तो वो उसने चोरी से कर रखा है, और चोर को सजा मिलनी चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि किसी भी जीव की हानि हमसे नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो। सिंपल है, किसी दूसरे के हक को ना मारे, यह प्राकृतिक नियम है जिसके लिए अपनी लड़ाई है। क्वेश्चन है कि मैंने सुना था कि आप लीगल टीम बना रहे हैं, इस बारे में बताएं कि मुझे कानूनी सलाह मिलने में काफी परेशानी हो रही है। देखिए कानूनी सलाह के मसले में आप अपने ही लोकल किसी भी वहां जाइए कचहरी में, वहां आपको बिल्कुल नए नए वो लोग मिल जाएंगे, वकील जो बैठे हैं। जमानत करने में भी जमानत लगानी ही होती है, और हम चाहते हैं कि आपको कानूनी मदद मिले ही ना, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा ना कि कोर्ट आपके लिए नहीं बैठी है। मतलब क्या हो गया, हमने ऐसे इतने वकील देखे पिछले 2-2.5 साल में जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके मोर्चे के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन असल में वो अपना धंधा चलाना चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन वकील का खर्चा तो लगेगा जी, वकील का खर्चा ही तो फीस होती है, और क्या होता है, वो खर्चा ही करके लेता है। कोर्ट का खर्चा अलग है, वकील का खर्चा अलग है, कोर्ट की फीस अलग होती है और वकील की अलग होती है, वो इसमें भी मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। अब ऐसे वकील समाज के हित में कैसे काम करेंगे जिनकी जजों के साथ सेटिंग होगी? ऐसे वकील कैसे मदद करेंगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? जो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो अलग टाइप के वकील होते हैं, और उनके पास कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और जो एस्टैब्लिश्ड वकील है वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये भी कन्फर्म है। तो आपको जो इन वकीलों की ज़रूरत है वो उन वकीलों की ज़रूरत है जो बिल्कुल नए हैं, जो पैसे वाले मामले में, जो कर्जे वाले मामले में, और जो बिल्कुल नए हैं उनको आप ये बताइए कि आपको दस्तावेज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए ड्राफ्ट भी हम बना के देंगे, और आपको सिखाएंगे भी हम तुमको कैसे लड़ना है, ठीक है ना? हम सब सिखा देंगे, तुम्हारा सिर्फ वकालतनामा चाहिए। हमारे पास वकालतनामे नहीं है, अगर हमारे पास लॉ की डिग्री होती तो हम वकील इतने सारे खड़े कर देते, टेंशन नहीं थी कोई भी। हमारे को पता है कौन सी धाराएं वो लगाते हैं, कैसे कैसे उसमें वज्रह करनी है, वो सब बात यही करते हैं। हाँ बस यही होता है, वकालतनामा लगाना है उसका, बताओ। और उसको भी बल्कि बोलो कि तुम्हारा वकालतनामा लगेगा तो तुम जीतोगे, तो तुम्हारा प्रसिद्धि होगी, तुम बताओ कितने पैसे दोगे, हम काहे को देंगे भैया,
है कि नहीं। अब कैंचुआ फार्मिंग के लिए क्वेश्चन है, वो सचिन भाई हैं अपने पास बैठे, सारा बाकी जानकारियां ये देंगे। असली कैंचुए नकली कैंचुए भी बहुत घूम रहे हैं, वो भी पूछ लेना उनसे, ठीक है। अभी जो है, हाँ एक क्वेश्चन इसमें बड़ा अच्छा आया है, स्पीकिंग का हो गया, पुलिस से कैसे बात करनी है हो गया। न्यूज़पेपर डिकोडिंग एक्टिविटी में ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर स्क्रीनिंग करने की बजाय हर कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे से जोड़ रहे हैं, कहीं ये पैरानॉइड एटीट्यूड को बढ़ावा तो नहीं दे रहा। तो मैंने जब अपना संबोधन दिया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको हर चीज़ में ऐसे नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको दोनों एंगल से सोचना है। फिर जब आप वीडियो बनाओ, जब भी आप वीडियो बनाओ अपना, लाइव चलोगे, अब यहाँ से जब नेटवर्क आ जाएगा तो लाइव चालू कर दो, किसी भी टाइम चालू कर दो। और मैंने बहुत सारे साथियों की फेसबुक आईडी देखी है, उन्होंने अपना प्रोफाइल लॉक किया हुआ है, वो प्रोफाइल अनलॉक करो सबसे पहले तो। फिर उसमें क्या होता है, जो प्राइवेसी है उस वीडियो की, वो उन्होंने फ्रेंड पे कर रखी है, उसको पब्लिक कर लो, अपने ग्रुप में चेक करवा लेना, जिसको भी फेसबुक का पता हो वो चेक करवा कि मेरे वाली चेक कर लो, बाद में देखना। और जब आप लाइव चलोगे तो लाइव चलते टाइम आपको जो असल में तो पब्लिक जो है आपको अपने आप सबक सिखा देगी, शुरू में आप सारी चीज उल्टी उल्टी बोलोगे, फिर बोल दी फिर सारी गलत निकले आएंगी, दो तीन गलत निकले आएंगी उनमें से, फिर आपके पड़ोसी आपसे तो कब थारा न्यू होगा, तो नहीं होया अब हो या तो, फिर वो आप मारे से पूछोगे, फिर मैं कहूंगा मैं नहीं हूं कद गई थी। तो जब भी आप कोई बात कहो उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने की कोशिश कर रही है, अपना विजन डाल दो, उसको सत्य मत बनाओ, उसको ये कहो मेरा ओपिनियन था भाई, गलत हो गया, क्या दिक्कत है बाद में, ओपिनियन हम गलत भी तो सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। और फिर अगर वो मान लो एक बार ना हो फिर आगे हो जाए, फिर हमारी बात वो पड़ी हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और दो चार बार उलझोगे अखबारों में, जो चार बार देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि इन खबरों का आपस में लिंक तो है, वो लिंक ढूंढना आ जाएगा जब आप थोड़ा, क्योंकि सब चीजों में षड्यंत्र ये शुरू शुरू में तो दिखाई देगा, बाद में एग्जैक्ट मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा, होता तो है है ही है, आपके बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, पैदा होने से लेकर मरने तक और सुबह से लेकर शाम तक आपका षड्यंत्र ही है। जब आपके बाथरूम करने का तरीका बदल दिया उन्होंने, लेटरिन का तरीका बदल दिया, धोने का तरीका बदल दिया, खाने का बदल दिया, बैठने का बदल दिया, बातचीत करने का बदल दिया, नशे का बदल दिया, काम का बदल दिया, गाँव का बदल दिया, डंगरों का बदल दिया, दूध का बदल दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है, मरने का भी तरीका बदल दिया। अब तो बीमारी के बिना मरता ही नहीं आदमी, टक्क से जा रहा है दूसरा, पहले मरने के तरीके और थे, मरने से पहले आदमी को अपना दिख जाता था, क्यों ताऊ जी सब दिखता था, अपने रिश्तेदारों को बुला के आ जाओ भाई सारे बतला जाओ, बतेरा हो गया टाइम हो गया अभी तो, हैं जलाने का तरीका भी, बच्चे पालने का तरीका भी, सब ही बदल गए भाई, और वो बदला इन्होंने प्लान करके, अपने आप थोड़ी हुआ है ये सब कुछ। एक क्वेश्चन और है कि जैसे बाई नेचर चार पर्सनैलिटी होती है, तो उसमें जब वो आदमी अपना बिहेवियर दिखाता है तो उस तरीके से भी तो चार तरह से हो सकता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, है ना भाई। जैसे मान लो क्वेश्चन ये था, एग्जैक्ट पढ़ देता हूं कि जैसे बाई नेचर चार तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, तो बिहेवियर लेवल पे भी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट होते होंगे, तो कौन सी सिचुएशन में इसकी नेचुरल पर्सनालिटी है और कौन से वाले में इसका बिहेवियर है, कौन से वाले में नेचर और कौन से वाले में बिहेवियर, ये कैसे पता लगाएंगे। एक चीज समझना, आप केवल किसी के बिहेवियर को देख के, किसी के बर्ताव को चेक करके आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पता लगाने का कि कैसे पता लगाना है वो मैं मैनुअल ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, जिसने ये 13 ट्रेनिंग कर ली उनको कि कैसे पता लगाना है। अब आपने देखा पता लगाने के बाद, पता लगाने से पहले नहीं, पता लगाने के बाद आपने देखा कि जो आपने ऑब्जर्व किया था, जो आपने देखा था शुरू में वो, और जो आपने पाया रिपोर्ट में वो अलग अलग है, तब आप ये एनालाइज करोगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके क्या फैक्टर रहे होंगे। समझने में हेल्प करना है ये, डिक्लेयर करने में हेल्प नहीं करती, अपनी साइंस समझने में हेल्प कर रही है, डिक्लेयर नहीं करना आपने,
जैसे हम किसी बच्चे के बारे में बताते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि 14 साल की उम्र में ये करेगा ना, हम ये बताते हैं अगर आपने 12 साल की उम्र में इस बच्चे को ये वाली चीज प्रोवाइड कर दी तो ये यहां जाएगा, ये कर दिया तो यहां जाएगा, ये किया तो यहां जाएगा। तो जो माँ बाप करना चाहते हैं वो कर लो, समझ गए ना भाई। आग के ऊपर दो चीजें हैं, आग तो अपना जल रही है, आपने पानी डाला तो आग का क्या होगा, आपने रबड़ की कोई चीज डाली तो क्या होगा, आपने लकड़ी डाली तो क्या होगा, आपने पेट्रोल डाल दिया तो क्या होगा, आपने सोडियम डाल दिया तो क्या होगा, वो बता रहे हैं हम तो। क्यों, आग तो वो जल रही है, हमने क्या डाला उसके ऊपर क्या होगा वो बता रहे हैं। सो ये हमारे को समझने में मदद कर रहा है। और हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस सेशन का, अभी उसके बाद फिर आपके लिए जलपान तैयार है। क्वेश्चन ये है कि WHO और NWO, ये जो नई व्यवस्था है ये हमको एक नंबर दे रही है जिसको आधार नंबर कह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर दे रही है, और जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं यहाँ भी हम लोग यही कर रहे हैं। कितना नंबर है भाई तुम्हारा, ग्रुप नंबर क्या है भाई? तो वो कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ लड़ रहे हो आप भी तो यही कर रहे हो। सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं, हम आप सबसे पहली बार मिले हैं है ना, और हमने साथ काम भी नहीं किया है। आप देख लो जिन्होंने आपस में काम किया सबके नाम याद हो गए होंगे, एक एक आदमी को 10-10 नए आदमी तो मिल गए होंगे। है कोई जिसको 10 आदमी नए मिले हों? सारों को मिल गए ना 10-10 तो कम से कम आदमी नए। अब नए आदमी मिल गए आप सबको और आपने उनके साथ काम किया तो आपको उनका नाम भी याद हो गया, कभी सामान का लेना देना पड़ा। अब हमारे साथ सामान का लेन देन आपका नहीं हुआ तो हमें आपके नाम याद नहीं होंगे जब तक हम आपके साथ काम नहीं करेंगे वहां इंक्लूड होकर के, समझ रहे हैं ना बात। तो हम आपको दे रहे हैं नाम के साथ, मतलब हम आपको याद करने के लिए, ध्यान देने के लिए, काम आसान करने के लिए नंबर दे रहे हैं। हम ये नंबर आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम इसे सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं उनका नंबर देना गलत है, हम ये कह रहे हैं नंबर थोपना गलत है, समझ रहे हैं ना बात। अपनी मर्जी से आपको जाके उनके खूंटे पे बंधना है तो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं ये गलत है और हमें भी पता है इसका। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं, ये आपका जिंदगी भर का परमानेंट नंबर थोड़ी बोला हमने, हमें इसको थोड़ा सा उस एंगल पे समझना होगा, ठीक है।